हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम केदारनाथ धाम यात्रा की कंप्लीट टूर इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं। केदारनाथ धाम यात्रा पर आने जाने, खाने पीने, रहने और यात्रा रजिस्ट्रेशन आदि संबंधित सभी के बारे में डिटेल में जानेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि केदारनाथ धाम की यात्रा को कब और कम खर्चे में कैसे पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि अगर आप मई जून में यात्रा करते हैं तो आपको क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। अगर आप भी केदारनाथ यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा ताकि केदारनाथ यात्रा को लेकर आपको सभी जानकारियां मिल सकें। तो आइए अब डिटेल में जानते हैं कि कम खर्च में केदारनाथ मंदिर की यात्रा कैसे करें। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ट्रेवल ट्रैकर यूट्यूब चैनल को और नोटिफिकेशन का बेल आइकन का बटन भी दबाएं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि केदारनाथ धाम यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है। तो अक्सर मई में केदारनाथ धाम के कपाट खुल जाते हैं और अक्टूबर में बंद हो जाते हैं, इसलिए धाम के कपाट खुलने के समय ही अधिकतर सभी श्रद्धालु मई जून में ही धाम के दर्शन करते हैं। लेकिन इस दौरान यहाँ बहुत अधिक भीड़, महंगाई, अव्यवस्था और रूम्स न मिलने जैसी कई समस्याएं देखने को मिलती हैं। कपाट खुलने के लगभग 1-1.5 महीने तक मई जून के दौरान रूम से लेकर खाने पीने सहित घोड़ा खच्चर और पालकी वालों के रेट्स बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए बहुत अधिक भीड़ से बचना है और अपनी यात्रा को आराम से व कम खर्चे में करना चाहते हैं तो जुलाई से अक्टूबर तक आप धाम की यात्रा कर सकते हैं। इस दौरान आपको मई और जून के मुकाबले कम भीड़ मिलेगी और सब कुछ आसानी से व किफायती रेट्स में भी मिलेगा। बाकी आप अपने बजट और कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग यात्रा के समय का चुनाव कर सकते हैं। बात करें दोस्तों केदारनाथ धाम पहुंचने की, तो आप हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून पहुंचकर अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। इन तीनों जगहों से ही केदारनाथ धाम के लिए बस सर्विस अवेलेबल है, लेकिन हरिद्वार सबसे बेहतर विकल्प है केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए। इसके लिए सबसे पहले आपको हरिद्वार आना पड़ेगा। हरिद्वार से केदारनाथ धाम 240 किलोमीटर की दूरी पर है। हरिद्वार तक आप ट्रेन या बस किसी भी माध्यम से आ सकते हैं। हरिद्वार से केदारनाथ मंदिर जाने के लिए सोनप्रयाग तक रेगुलर बसें चलती हैं, जिसका किराया एक व्यक्ति का 700 रुपये से 800 रुपये के आसपास होता है और इसमें समय लगता है लगभग 8 से 10 घंटे। सोनप्रयाग के लिए बसें हरिद्वार से सुबह सुबह 4 बजे ही चलनी शुरू हो जाती हैं, इसलिए सुबह जल्दी बस पकड़ने के लिए आपको हरिद्वार में सुबह जल्दी पहुंचना पड़ेगा या फिर एक रात हरिद्वार में स्टे करना होगा। इसलिए ध्यान रहे, आप जिस दिन हरिद्वार पहुंचे हैं उसी दिन शाम को हरिद्वार से सोनप्रयाग जाने वाली बस की टिकट बुक करा लें, क्योंकि केदारनाथ धाम की यात्रा के सीजन में सुबह हरिद्वार से सोनप्रयाग जाने वाली बस में जगह नहीं बच पाती, वहीं कई घंटे वेटिंग भी होती है। इसलिए बस न मिलने की समस्या से बचने के लिए आप सोनप्रयाग जाने के एक दिन पहले ही बस का टिकट बुक करा लें, ताकि आप समय से सोनप्रयाग पहुंच सके और रात को ठहरने के लिए रूम वगैरह ढूंढ सके। और अगर आप फ्लाइट से आते हैं तो देहरादून एकमात्र नजदीकी एयरपोर्ट है केदारनाथ यात्रा के लिए। उसके बाद देहरादून एयरपोर्ट उतरकर टैक्सी या बस द्वारा हरिद्वार तक आ सकते हैं, या फिर देहरादून से ही सोनप्रयाग के लिए बस ले सकते हैं, फिर सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक पहुंचकर अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। वहीं अगर आप पर्सनल कार, बाइक या टैक्सी द्वारा केदारनाथ धाम की यात्रा कर रहे हैं तो देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग और गुप्तकाशी होते हुए सीधा सोनप्रयाग पहुंच सकते हैं। फिर आपको सोनप्रयाग में ही अपनी गाड़ी पार्क करनी होगी और सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच 5 किलोमीटर की यात्रा आपको वहां की लोकल टैक्सी द्वारा कंप्लीट करनी होगी, जिसका किराया 50 रुपये के आसपास होता है, क्योंकि सोनप्रयाग से आगे गौरीकुंड तक केवल वहां की लोकल टैक्सियों को ही जाने की परमिशन है। दोस्तों, यहां पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप पीक सीजन में यात्रा कर रहे हैं तो आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक जाने के लिए टैक्सी के लिए काफ़ी वेट करना पड़ेगा और काफ़ी लंबी लाइन में भी लगना पड़ सकता है। अगर आप हेलीकॉप्टर से केदारनाथ मंदिर तक पहुंचना चाहते हैं तो केदारनाथ मंदिर तक 3 जगहों से हेलीकॉप्टर की सुविधा उपलब्ध है, जिनमें फाटा, सरसी और गुप्तकाशी। इन तीनों ही जगहों से आप या तो ऑनलाइन बुक करके या ऑफलाइन इनके काउंटर्स पर जाकर हेलीकॉप्टर राइड बुक करा सकते हैं। अब यहां फाटा या सरसी से हेलीकॉप्टर राइड का किराया लगभग 4720 रुपये राउंड ट्रिप के लिए और इसका आधा वन वे के लिए किराया लगता है, लेकिन गुप्तकाशी से हेलीकॉप्टर राइड का किराया लगभग 7800 रुपये राउंड ट्रिप के लिए होता है। अगर आप फाटा से हेली सर्विस लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको गौरीकुंड से फाटा पहुंचना होगा। गौरीकुंड से फाटा की दूरी लगभग 7 से 8 किलोमीटर की है। दोस्तों, सोनप्रयाग पहुंचने के बाद आप यहां पर रूम बुक करा सकते हैं। सोनप्रयाग के अलावा भी 5 किलोमीटर आगे गौरीकुंड में भी रूम्स अवेलेबल होते हैं, चाहे तो आप वहां भी रूम्स ले सकते हैं। दोनों ही जगहों पर आपको कई सारे रूम्स ऑप्शन मिल जाएंगे, जिनका एक दिन का रूम रेंट लगभग 500-600 रुपये से शुरू होकर 7000 रुपये तक पीक सीजन में देखने को मिलता है।
रूम्स के अलावा आपको यहाँ ठहरने के लिए डॉर्मेट्री व धर्मशालाएं भी मिल जाएंगी, जिनका किराया लगभग 400-500 रुपए से शुरू होता है। साथ ही GMVN के द्वारा उपलब्ध कराए गए कॉटेजेस को भी आप रेंट्स पर ले सकते हैं। यहाँ ध्यान बस यही रखना है कि अगर आप पीक सीजन में अपनी यात्रा प्लान कर रहे हैं तो कोशिश करें जितनी जल्दी हो सके ऑनलाइन या ऑफलाइन होटल्स में रूम बुक कर लें, वरना आपको रूम्स को लेकर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, गौरीकुंड पहुंचने के बाद केदारनाथ मंदिर की यात्रा पैदल ट्रैक करके शुरू करते हैं, क्योंकि केदारनाथ मंदिर की चढ़ाई गौरीकुंड से शुरू होती है। गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर की चढ़ाई 16 से 18 किलोमीटर के बीच होती है। गौरीकुंड से पैदल ट्रैक करके केदारनाथ मंदिर जाते हुए आपको बहुत सारे श्रद्धालु मिलेंगे, क्योंकि अधिकतर लोग इस ट्रैक को पैदल ही पूरा करते हैं। इसके अलावा जो लोग पैदल यात्रा नहीं कर सकते उनके लिए और भी कई विकल्प मौजूद हैं, जिनमें गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर के लिए पालकी घोड़े खच्चर की सवारी की भी व्यवस्था है। यहां घोड़े खच्चर का किराया 2300 रुपए और डोली या पालकी का रेट सीजन के अकॉर्डिंग 7 से 8 हजार रुपए होता है। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर ट्रैक के दौरान भीमबली, बेस कैंप, जंगल चट्टी और छोटी लिंचोली जैसी जगह देखने को भी मिलती हैं। केदारनाथ मंदिर के रास्ते में जगह जगह पर चाय नाश्ते के लिए व खाने पीने की भी व्यवस्था है, जिससे आप ट्रैक के दौरान आराम करते हुए यात्रा पूरी कर सकते हैं। साथ ही रास्ते में जगह जगह पर वॉशरूम की भी व्यवस्था होती है। इसके अलावा दोस्तों, ट्रैक के दौरान जैसे जैसे आप अपनी चढ़ाई चढ़ते रहेंगे वैसे वैसे ग्लेशियर्स, वाटरफॉल्स, पहाड़ों और घाटियों के ब्यूटीफुल व्यूज देखने को भी मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, ट्रैक के दौरान घोड़े खच्चर और श्रद्धालुओं के लिए एक ही मार्ग होने के कारण यात्रियों को अधिक सावधानी के साथ यात्रा करनी पड़ती है। दोस्तों, अगर आप केदारनाथ मंदिर टाइम से पहुंच जाते हैं तो आप दिन में ही दर्शन कर सकते हैं। यहां केदारनाथ मंदिर में स्थापित भगवान शिव के दर्शन सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक ही कर सकते हैं। शाम 5 बजे के बाद दर्शन नहीं करने दिए जाते, क्योंकि शाम को मंदिर में भव्य आरती होती है, जिसमें भक्तों की बहुत अधिक भीड़ मंदिर के बाहर भी इस भव्य आरती में शामिल होती है, जिससे मंदिर का पूरा परिसर बाबा केदारनाथ के जयकारों से गूंज उठता है और ये नज़ारा सच में देखने लायक होता है। इसलिए अगर आप 5 बजे से पहले केदारनाथ मंदिर पहुंच जाते हैं तो आप बाबा केदारनाथ के दर्शन कर सकते हैं, वरना दोबारा आपको सुबह ही बाबा के दर्शन की अनुमति दी जाएगी और फिर अगले दिन सुबह जल्दी उठकर मंदिर में दर्शन के लिए जा सकते हैं, क्योंकि मंदिर के बाहर सुबह 3 बजे से ही दर्शन करने के लिए लाइन लग जाती है। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर के आसपास रुकने के ज्यादा ऑप्शंस नहीं हैं, और जो हैं भी उनके रेट्स 1000 रुपए से लेकर 7-8 हजार रुपए तक सीजन के हिसाब से होते हैं। यहाँ पर आपको प्राइवेट होटल्स, GMVN के होटल्स और डॉर्मेट्री की सुविधा भी मिल जाती है। इनके अलावा आपको GMVN हट्स और कैंप्स भी मिल जाएंगे, जिनमें हट्स का किराया 900 से 1000 रुपए और कैंप्स के किराया 400 से 500 रुपए होता है। बात करें केदारनाथ मंदिर पहुंचने पर खाने पीने की, तो आप यहां होटल्स के अलावा अन्नपूर्णा भोजनालय में भी भोजन कर सकते हैं, जहां एक थाली का प्राइस 300 से 350 रुपए होता है। आपको यहां अधिकतर केवल शाकाहारी नॉर्मल खाना ही खाने को मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं केदारनाथ धाम दर्शनों के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे, कब और कहां से करा सकते हैं। तो केदारनाथ धाम दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने के 2 तरीके हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आप उत्तराखंड के केदारनाथ यात्रा के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जाकर केदारनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा हरिद्वार, ऋषिकेश, सोनप्रयाग या गौरीकुंड में बनाए गए काउंटर्स पर जाकर भी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बनवाने में लाइन लगाने के कारण बहुत अधिक समय लग जाता है, इसलिए हो सके तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर ही अपनी यात्रा पूरी करें। ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों प्रकार से रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपके पास एक फोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड। इसके अलावा केदारनाथ यात्रा के दौरान आप अपने पास वैक्सीनेशन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट भी जरूर साथ रखें। तो दोस्तों, ये थी केदारनाथ धाम की यात्रा के बारे में पूरी जानकारी। इसके अलावा केदारनाथ धाम की यात्रा को लेकर आपका कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें।